हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे डायबिटीज, जिसे आम भाषा में शुगर कहते हैं। दोस्तों, आपको शुगर होने का असली कारण बताएंगे, क्या वजह है जिसके कारण आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है। दोस्तों, आपको डायबिटीज की बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे। यह मेडिसिन आपको आपके शुगर लेवल को नॉर्मल रखती है और आपको डायबिटीज बढ़ने का मौका नहीं देती है। दोस्तों, आपको शुगर होने पर आपको क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, आपके अंदर क्या बदलाव होते हैं, आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। डायबिटीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों, आपको डायबिटीज की आज बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे, आपको डायबिटीज होने की असली वजह बताएंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, और जिन्होंने अभी तक डॉक्टर सौरभ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। डायबिटीज यानी शुगर क्या है? डायबिटीज यानी शुगर एक क्रोनिक चयापचय विकार है। यह आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से होने वाला एक विकार है, एक रोग है, जिसमें आपके ब्लड खून में उपस्थित आपकी शुगर के इस्तेमाल करने की शरीर की क्षमता यानी शरीर की पावर डिस्टर्ब हो जाती है। यह समस्या आपको जेनेटिक भी हो सकती है यानी आनुवांशिक भी हो सकती है, और यह बिना आनुवांशिक के भी आपको हो सकता है। और दोस्तों, यानी शुगर डायबिटीज आपको इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है, जिसकी कमी के कारण आपको शुगर हो जाती है, डायबिटीज आपको हो जाती है। दोस्तों, यह अग्नाशय द्वारा जारी किया जाता है और आपके पूरे शरीर में इसको सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, जब आपका इंसुलिन कम हो जाता है, आपको शुगर यानी डायबिटीज के आप शिकार हो जाते हैं। आपको इसके सिम्टम्स बताते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिससे कि आपको डायबिटीज होने की पहचान हो सकती है। दोस्तों, पहला और बेस्ट सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, आपको अधिक मात्रा में यूरिन आता है, पेशाब आता है। आप बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं और पेशाब में आपके शर्करा मिला हुआ होता है, जो कि चिपचिपा होता है। जहाँ भी आप यूरिन करते हैं, कुछ देर बाद वहाँ पर कीड़े मकोड़े आपके यूरिन के पास जहाँ आप करते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा, आपको अधिक मात्रा में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आप अधिक मात्रा में खाना खाने की इच्छा जाहिर करेंगे। और दोस्तों, आपको कमजोरी विशेष तौर से हो जाएगी, शरीर के अंदर आपको कमजोरी विशेष तौर से देखने को मिलेगी। और दोस्तों, आपकी आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों की आपकी रोशनी कम हो सकती है, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन पर सूखापन हो सकता है, वीकनेस कमजोरी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। दोस्तों, आपका वजन अचानक कम होने लगता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस करते हैं कि आपका वजन तेजी से कम हो रहा है। जब कभी भी अगर शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, तब आपके और आपके शरीर पर कहीं भी अगर घाव या फिर किसी भी तरह की कोई चोट लगती है, तो वह जल्दी से ठीक नहीं होती है, और घाव जो भी होता है वह और भी बढ़ जाता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है घाव। आप इसकी पहचान डायबिटीज़ होने पर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको विशेष तौर से आँखों में दर्द हो सकता है, आँखों की रोशनी आपकी कमज़ोर हो जाती है। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जब कभी भी अगर आपको शुगर डायबिटीज़ की समस्या होती है। बार बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपको किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ की समस्या देखने को मिलती है, तब आपको शुगर खानी बंद कर देनी चाहिए, यानी मीठे का सेवन बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जो डायबिटीज़ की समस्या है वह नॉर्मल हो सके। आपको इसमें खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा हल्का भोजन ही करना चाहिए, उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जब डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, शुगर की वजह से आपके शरीर पर स्वेलिंग सूजन भी आ सकती है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, बार बार यूरिन का आना यह आपके लिए सही नहीं होता है। तो आपने अक्सर सुना होगा, आपको शुगर की समस्या अब आजीवन बनी रहेगी, यानी कि आप जब तक जिएंगे तब तक आपको शुगर का सामना करना पड़ेगा, डायबिटीज़ की समस्या आपको रहेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप डायबिटीज़ शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, और बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, अब आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप अपने शुगर डायबिटीज़ की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये दवाइयाँ आपको 100% आपकी शुगर को कंट्रोल रखेंगी और आपको हाई शुगर लेवल बढ़ाने से रोकेंगी। पहली और बेस्ट मेडिसिन है साइजीजियम जंबो क्यू। तो साइजीजियम जंबो यानी मल्टिंचर लेना इफेक्टेड मेडिसिन है, आपकी डायबिटीज की एक स्पेशल दवाई है। वे व्यक्ति जिन्हें क्रोनिक से क्रोनिक डायबिटीज की समस्या है, शुगर की समस्या है, और इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले चुके हैं, घरेलू नुस्खे भी अजमा चुके हैं, देसी भी कर चुके हैं, लेकिन उनको शुगर से छुटकारा नहीं मिल रहा है,
उनकी शुगर लेवल हाई रहता है, नॉर्मल नहीं होता है, तब आपको साइजीजियम जंबो क्यू मर्डिंगचर जरूर लेना चाहिए, इफेक्टेड मेडिसिन है। अब आपके यूरिन में आपकी शर्करा शुगर आती है, बार बार यूरिन आता है, जलन के साथ आता है, इन्फेक्शन हो जाता है, भूख ज़्यादा लगती है, कमजोरी आ जाती है और आपके सिर में दर्द रहता है, क्रोनिक से क्रोनिक डायबिटीज की समस्या को दूर कर देती है इस मेडिसिन को लेने से। जब आपके यूरिन में शर्करा शुगर अधिक आती है, वह आनी बंद हो जाती है, कमजोरी ठीक हो जाती है, डायबिटीज की वजह से अगर आपको पेट से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बनती है, आपके पेट में दर्द रहता है, आपका खाना पचता नहीं है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, यह समस्या भी ठीक हो जाती है, इफेक्टेड मेडिसिन है दोस्तों, आपके शुगर लेवल को यह नॉर्मल रखती है। दोस्तों आपको यह मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, आपको इसकी 10 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आधे कप ताज़े पानी में डालकर यूज करनी चाहिए। कुछ दिन लगातार लेने से आपकी डायबिटीज़ की समस्या नॉर्मल रहती है और आपको डायबिटीज हाई होने के चांस नहीं रहते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जिमनेमा सिल्वेस्टर क्यू, यह भी मार्टिंग से लेना है, इफेक्टेड मेडिसिन है। दोस्तों जब अगर आपको क्रोनिक शुगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है तब इस मेडिसिन को जरूर लेना चाहिए, इफेक्टेड मेडिसिन है। यूरिन में जब आपके शुगर आती है, यानी कि आपके शुगर आने की वजह से आपको अधिक कमजोरी महसूस होती है, बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, जिसके कारण आपके शरीर में आपको वीकनेस महसूस होती है, तब आपको यह मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको यूरिन की वजह से अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो गई है तब भी ये मेडिसिन इफेक्टेड मेडिसिन है। आपके शरीर में आपको इचिंग होने लगती है, ऑल बॉडी में आपके जलन होने लगती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, अधिक मात्रा में प्यास लगती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, अधिक यूरिन जाने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है, क्रोनिक से क्रोनिक डायबिटीज़ की समस्या को नॉर्मल कर देती है, इफेक्टेड मेडिसिन है। दोस्तों आपको यह मेडिसिन भी जरूर लेनी चाहिए। आपको जिमनेमा सिल्वेस्टर की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आधे कप ताजे पानी में डालकर लेनी चाहिए। आप इन दोनों मेडिसिनों को एक ही पानी में मिक्स कर जरूर लें, इफेक्टेड मेडिसिन है। सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, आपकी डायबिटीज़ की समस्या नॉर्मल रहती है और आपको डायबिटीज हाई होने के चांस नहीं रहते हैं, इफेक्टेड मेडिसिन है। आपको शुगर या डायबिटीज़ की और अधिक जानकारी चाहिए तब आप हमारी वेबसाइट parivchart.com पर देख सकते हैं, आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप वीकनेस यानी डायबिटीज़ की वजह से शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आँखों की रोशनी कम हो गई है, अगर आपको सिर में दर्द रहता है, बार बार यूरिन, बार बार भूख लगती है, आप बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, आपको इन्फेक्शन हो जाता है, इन दोनों मेडिसिन को जरूर लेना चाहिए, इफेक्टेड मेडिसिन है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर जरूर रिप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वे व्यक्ति जो डायबिटीज़ शुगर की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्रोनिक समस्या हो गई है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा चुके हैं, घरेलू नुस्खे भी अजमा चुके हैं, देसी भी कर चुके हैं, लेकिन शुगर डायबिटीज़ की समस्या उनकी जा नहीं रही है, हाई रहती है, नॉर्मल नहीं होती है, आपको मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, इफेक्टेड मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपके अग्नाशय में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे कि आपकी शुगर की समस्या कंट्रोल रहती है। जैसे कि वे व्यक्ति इस वीडियो को देखने से अपनी डायबिटीज शुगर का इलाज कर सकते हैं और वे इस वीडियो से अपना लाभ ले सकते हैं, इफेक्टेड मेडिसिन है। दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।